नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में ये आपके सामने रखा है एक एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या निकलने वाला है आज मैं आपको इसको खोल के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप जब तक हमारे इस वीडियो के साथ में। आज मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मीटर को खोल लेते हैं। तो हमने इसको खोल के अलग कर लिया है, तो आपके सामने इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले इसमें दो सेल लगे हुए हैं, और उनके पास में एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेल जो है सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, और एक है रोटेट स्विच। जो रोटेट स्विच क्या करता है, जैसे हम स्विच को रोटेट घुमाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इस रोटेट स्विच से इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा करने के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए इसमें रोटेट स्विच लगाया गया है। आप देखेंगे प्रत्येक पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इस एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर देखेंगे आप, खोल के देखने के बाद में इसमें पता चला है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो सारे रेजिस्टेंस ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं इस कॉइल के थ्रू। ये जो कॉइल लगी हुई है आपके सामने ये दिख रही है, ये सारी की सारी कॉइल्स है। इसके थ्रू इसके अंदर सारे कनेक्शन सारे सेट हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वो जो सेल है वो कितने वोल्ट का है। तो आप में देखेंगे इसके अंदर सेल जो है वो लगभग, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार उसके ऊपर करके। नहीं, इसके अंदर जो सेल है लगभग जो पूरा है प्रॉपर 1.5 वोल्ट का दो सेल लगे हुए हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट के दो सेल इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं। यानी कि ये जो मल्टीमीटर है, ये एनालॉग मल्टीमीटर है, इसके अंदर 1.5 वोल्ट के दो सेल लगे हुए होते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉइल्स लगी हुई है, ये जहाँ सारी सारी कॉइल्स हैं जिस पे सारी वैल्यू सेट होती है। आप देखेंगे इसके दूसरी तरफ, ये देख रहे हो आप, ये जो ये एनालॉग मल्टीमीटर है, इसके ये जो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये खांचे बने हुए हैं। इसके अंदर ये रोटेट स्विच था जिसको मैंने अभी आपको बताया था, और ये एनालॉग ऊपर स्केल्स हैं। और आप देख रहे हो पीछे की तरफ ये इस प्रकार से दिखता है, इसलिए ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है ये अपना मान, अपना जो मान है ऊपर डिस्प्ले पे दिखाता है। तो दोस्तों आपने इसके अंदर देखा, मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो ये रोटेट स्विच है, और इसके अंदर खोलने के बाद में हमें देखे रोटेट स्विच को मैं घुमा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये रोटेट स्विच है, हमने इसको घुमा दिया है। तो ये क्या है, ये जो कॉइल्स हैं इसके चारों तरफ अपना जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको घुमाने से इसकी वैल्यू जो है कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये हमारा एनालॉग मल्टीमीटर है दोस्तों, ये इसके अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, और बाहर से कुछ ये इस प्रकार। ये इसका पूरा स्केल्स हो गया, और ये इसकी पूरी डिजाइन है। तो ये इसकी लीड्स हैं, साथ में ये जो रखी हुई है ये इसकी लीड है, एक ब्लैक और पॉजिटिव नेगेटिव। धन्यवाद दोस्तों।